आप सर सचिन जी, आप जब भी कोई भी सेंचर करते हैं आप ऊपर देखते हैं क्यों? ये मेरा सवाल है। मैं हमेशा ऊपर देखता हूँ, पहले भगवान को शुक्रिया कहता हूँ क्योंकि मेरे जैसे और बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग मेरे जैसे भी मेहनत करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ खास देन मिली है वो भगवान ने दी हुई है, तो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे पिताजी का देहांत हुआ 1999 में, तो उनको भी हमेशा याद करता हूँ और थैंक करता हूँ कि उनका सपोर्ट और उनकी जो स्ट्रेंथ थी जो मेरे पास थी, अगर वो नहीं होती थी तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। थैंक यू सर। जैसे सीनियर खिलाड़ी अभी मोस्टली रिटायर होते जा रहे हैं, तो आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हुए क्या अगला वर्ल्ड कप में आप प्रेजेंट रहेंगे? या आपका जवाब मैं दूंगा। उसके लिए सचिन जी को यहाँ 2 महीने आपके साथ ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि ये 2011 का वर्ल्ड कप भी खेले, फिर जो 2016 में होगा उससे पहले भी भेजा जाएगा इनको 4 महीने ताकि ये और 2 वर्ल्ड कप खेले। जवाब दे दिया भाजी ने। तो सर दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से पॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपके जो टेस्ट के सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, तो आप सोचते हैं कि क्या वो कभी ब्रेकअप कर पाएंगे? देखिए, रिकॉर्ड्स तो एक टूटने के लिए बनते हैं और मैं यही चाहूँगा कि रिकॉर्ड, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, भारत का रिकॉर्ड है, और अगर कोई तोड़ेगा ये रिकॉर्ड को तो भारतवासी होना ज़रूरी है। ये रिकॉर्ड भारत का है, भारत के पास रहना चाहिए। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, इसका क्या राज है यार, इतनी एज होगी ये फिटनेस है। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा डिस्गाइज करके यहाँ पे ट्रेनिंग करके जाता था वापस। हरभजन सिंह जी से मैं कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, सिर्फ बोलना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी, बट जैसे आप हो ना वैसे रहना, वी लाइक एज यू आर। कंट्रोवर्सीज विल गो ऑन, नेवर माइंड। पंजाबी एक जरूरी है टीम में और ऐसे आदमी की जरूरत टीम में जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। सामने वालों को डर रहता है ना हमेशा, कब क्या कर देगा पता नहीं। मैं टीम का फौजी हूँ। क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर और बॉलिंग का जादूगर हरभजन सिंह इधर आए हैं, तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, हमको तो आगे आने के लिए मना किया है। मैं आपको टच करना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा सर। जाओ ना भाई, उसको छू क्या होता। आपको मना किया, हमको नहीं किया मना। मेरा पजी से एक सवाल है कि वो भंगड़ा पाकर दिखाएं जैसे मैच के बाद में आते हैं। बड़े हो गए सचिन को देखते देखते बड़े हुए, जब भी सचिन जी टीवी पे आते थे हम एक बात बोलते थे, लेकिन आज सचिन जी हमारे सामने हैं इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, आइला सचिन आला रे। कि आप क्रिकेट के मैदान में कई बॉलरों के छक्के उड़ाए हैं और यहां तक कि बॉलरों के सपनों में भी आते हो आप, क्या कोई ऐसा बॉलर है जो आपके सपनों में आया हो? मैं राह देख रहा हूं अब तक। थैंक यू। सचिन जी को नमस्कार, हरभजन जी को सत श्री अकाल। हमारे सभी की एक चॉइस है कि मतलब आप सभी एक बार चारों तरफ से चक्कर काट दे और हाथ मिला ले सभी से, यही चॉइस है हमारी शुरू से आज तक। थैंक यू सर। ऐसा करते हैं कि एक बार सचिन और भज्जी को पहले फिर डांस हो जाए और फिर एक बार डांस हो जाए फिर बाद में एक बार चक्कर लगाते हैं।